So like it would be fun. Uh, मैं तुमसे कुछ आज चीजें पूछना चाहूंगी जब मुझे ऐसा लगता है की अच्छा है पूछना चाहूंगी की अगर तुम्हारे सात सौ नंबर आए हैं या किसी के सात सौ बीस आए हैं सिक्स नाइन्टी आए हैं तो वो जो स्टूडेंट होगा ना वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा अलग ही कुछ होगा और हम तो उसके जैसे नहीं है तो हमारे वैसे नहीं आ सकते तो मेरा पहला सवाल तुमसे ये है कि तुम जब

पिछले साल तो सात सौ नंबर पे थर्ड रैंक थी लाइक आई वॉज नॉट एट ऑल श्योर अबाउट मी और मैं इतना भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था जैसे देखा जाए तो मेरी रैंक बहुत फ्लक्चुएट करती थी कभी टॉप टेन में रहती थी तो कभी टॉप ट्वेंटी से बाहर होती थी लाइक so, like, कभी कभी तो मेरे स्कोर बहुत नीचे गए लाइक सिक्स ट्वेंटी सिक्स थर्टी ऐसे स्कोर आते थे तो so, लाइक like, ऐसा नहीं है कि आप में कुछ uh, होना चाहिए पोटेंशियल पहले से ही की आप सात सौ नंबर क्रॉस कर सकते हो मतलब कुछ ऐसा, कि ऐसा लोग समझते हैं कि कुछ अलग ही एक होता होगा कुछ की लगा के भेजा है फिट करके कि भाई इस बच्चे के तो साथ ही <laughs> है और जैसे बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कुछ बच्चे एन टी एस सी में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं क्या तुमने भी ऐसा कुछ कुछ आ, में कहीं कुछ तुम्हारा था ऐसा बैकग्राउंड या कहीं तुमने एन टी एस सी में कुछ किया हो तो अ मैंने तो एन टी एस सी दिया था मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था तो या कोई ओलम्पियाड है जो खुद ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि उनके हमेशा सेवन हंड्रेड मार्क्स आते थे बल्कि उनकी भी रैंक फ्लक्चुएट करती थी उनके सिक्स हंड्रेड थर्टी ट्वेंटी तक भी स्कोर गया है लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो रियल फाइट होती है वो नीट में ही होती है और आप उस टाइम पे कैसा परफॉर्म करते और आप कितनी आपकी कंसिस्टेंसी है है पूरे साल वो मैटर करता सो so, अनुराग और तुम्हारे तुम्हारे जैसे मतलब तुमने खुद बताया कि कि तुम्हारा स्कोर नीचे जाता था रैंक्स कम जाती थी थी तो तुम तुम साथ ऐसी भी सिचुएशन होती थी थी कभी ऐसे डीमोटिवेट हो हो जाओ या हो जाओ या डिप्रेस देखो उसको नजरअंदाज तो तो मत करो just see to your mistakes and improve them बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि मेरा स्कोर 550 आ रहा है मेरा स्कोर 570 आ रहा है 580 आ रहा है क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा

Uh, अभी मत ये मत सोचो कि नीट में मेरे इतने ही आएंगे कि आज मेरे इस टेस्ट में इतने आ रहे, so like, अच्छे से प्रिपेयर करो, करो, करो कि आप उस टॉपिक में तो स्ट्रोंग हो या आप टेस्ट में दिखाओ कि उसमें एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए जितने भी सवाल में अटेम्प्ट करूँ हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ अटेम्प्ट करूँ कि ये तो गलत नहीं हो गए मेरे And जब आपके स्ट्रॉन्ट्स टॉपिक्स कवर हो जाए गो टू योर वीक पॉइंट उसमें भी सब टॉपिक्स हो गए उसको प्रिपेयर करो जिसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है उसको प्रिपेयर करो दिस स्ट्रेटेजी वुड हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स टू लाइक फाइव फिफ्टी से आप सिक्स हंड्रेड सिक्स ट्वेंटी से आराम से जा सकते हो क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लग रहा होता है कि ये मेरा वीक टॉपिक है और सिर्फ उसी को फोकस करते करते जो चीजें स्ट्रांग कर सकते हैं या जो इजी पार्ट है जो हम हमें पता है हम कर सकते हैं अच्छे से वो हम छोड़ देते हैं और सिर्फ वीक पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात एक नई चीज जो हमें अनुराग ने ऐसे बताई है कि अगर आपके कुछ एक चैप्टर टॉपिक आपका टेस्ट होने वाला है उसमें आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता है ये हाई हिल्ड पॉइंट्स हैं एटलीस्ट उनको बहुत स्ट्रांग करके चलो और अगर कुछ वीक रह जाता है उसको फिर और कम मार्क्स का है तो उसको फिर आप सेकेंडरी रख सकते और फिर उसको बाद में प्रिपेयर भी कर सकते हो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा सो so, अनुराग ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का डाउट होता है कि जैसे जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग ही बुक्स रेफर करते हैं बहुत हाई लेवल बुक्स करते हैं तभी इतने अच्छे नंबर आते हैं तो मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि जो अभी नीट का पैटर्न आ रहा है इस टाइम पे जैसे नीट का एग्जाम में जो डिफ़िकल्टी ले, लेवल होता है उसके हिसाब से एस्पिरेंट्स को मतलब कौन सी बुक्स फॉलो करें तुमने क्या किया था और तुम्हें क्या लगता है कि मतलब बहुत कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम तीन चार बुक्स कर लें एक टॉपिक की सबसे एच वर्मा भी कर लें ये भी कर लें वो भी कर लें तो क्या आइडियली करना चाहिए इस टाइम पे लाइक 2020 में एम्स होने वाला था ऐसा मुझे 2018 में कहा गया था सो so, लाइक like, मैंने तब तो बहुत सारी बुक्स रेफर की थी पर लाइक like, अभी जो पैटर्न है इस साल जो पेपर हुआ एंड अगले साल जो हो सकता है उस हिसाब से तो मैं बस यही सजेस्ट कर रहा कि, कि एक ही बुक पे अटैच रहो मतलब जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हो आप स्पीड बढ़ाओ आपकी जनरली क्योंकि नीट में अभी जो 45 क्वेश्चंस थे उनमें से मान के चलो कि लाइक तो, 43 तो ही आने वाले, नो डाउट तो लाइक आपको इजी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करनी है डोंट गो ऑन द टफ साइड ऑलवेज पहले इजी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो उनमें स्पीड बढ़ाओ सो so, बायो के लिए तुम क्या कहना चाहोगे कि मतलब बायो में आ, क्या कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत सारा कोचिंग में एक्स्ट्रा दे दिया जाता है आकाश हो एर हो या कितनी भी बड़ी कोचिंग हो बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उस चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है एनसीआर को भी ना बहुत इग्नोर सा कर दिया जाता है कि एनसीआर इतनी नहीं पढ़ी जितने मॉड्यूल्स पढ़ लिए तो तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा नीट एस्पिरेंट कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसको मतलब कैसे अपनी एनसीआरटी भी फॉलो करे वो और फिर एक्स्ट्रा मटीरियल को भी करे वो मतलब क्या उसे प्रायोरिटाइज कैसे करना चाहिए और कितनी चीजें उसे करनी है वो कैसे मतलब उसे मैनेज करना चाहिए लाइक like, बायो के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आपको लास्ट में बस एक ही रिवीजन करनी है नीट के पहले और वो एक रिवीजन आप बस एक ही बुक से करो जैसे एनसीईआरटी है आपको एनसीईआरटी मानना ही है कुछ भी करके आपको रीड करना ही है और लास्ट में रिवीजन भी उससे ही करना है सो लेकिन एनसीआरटी के आप बाहर देखोगे तो बॉक्सेस में मतलब खाली जगह होती है सो so, आप जो मॉड्यूल रीड कर रहे हो उसमें आपको लग रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट टेक दैट पॉइंट एंड राइट इट ऑन द एनसीआर सो देट आप जब लास्ट में रिविजन करोगे सो so आपको बस एक ही बुक मिलेगी आप बस एक ही बुक से रिविजन करोगे एंड वो बुक रीड करते ही आपको सारा सिलेबस कवर हो जाएगा सो so, मैंने खुद ऐसा किया था एंड इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है so, क्योंकि uh... लास्ट में आप uh, हरी हरी में मतलब कुछ भी ये पढ़ना है ये वो पढ़ना है नोट्स पढ़ने so, like, uh, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे सो जस्ट एक ही बुक प्रेफर करो कभी भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कुछ बच्चों के लिए और मैंने उसके अंदर अपनी एनसीईआरटी दिखाई थी स्टूडेंट्स को तो उसके अंदर भी मैंने ये जो तुम टेक्निक बता रहे हो सेम टू तो सेम मैंने भी अप्लाई की थी और उसके अंदर मैंने यही किया था कि जो भी मॉड्यूल का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या जो मैं गलत करती हूँ क्वेश्चन कभी या प्रीवियस ईयर में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है uh -huh. वो सारा मैंने एनसीआर में ही लिख लिया था और अल्टीमेटली लास्ट में एक ही आपके पास किताब होगी एनसीआर जिसमें आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें आपकी गलतियां भी है जिसमें सब कुछ है वो सब कुछ उस बुक में लिखा हुआ था तो वो बुक का मैं अगर आपने नहीं देखी वीडियो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको लिंक और मुझे काफी अच्छा लगा जान के भी कि अनुराग ने भी वैसे ही वही स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी और वही फॉलो की थी आई थिंक मतलब ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एस पेरेंट्स की कि हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो फील करते हैं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं

Uh, उनसे जस्ट दूरी मेंटेन कर किया करो आपको फोकस सर पे करना है ना ही कि आपके दोस्तों के जोक्स पे so जब आप क्लास में हो सो फोकस ऑन द टॉपिक्स आर एक्सप्लेन बाय द सर जिससे आप रात में जब रिविजन करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा रिविजन के लिए सो so दोस्तों से बस दूरी मेंटेन किया करो क्लास में ब्रेक्स में आपको जो करना है वो करो डिस्कशन करो हेल्दी डिस्कशन करो या फिर जोक्स मारो इट्स ऑल ऑन यू बट जब क्लास के टाइम पे आप बस फोकस रहो एंड सेकेंड चीज रिलेशनशिप्स तो लाइक जस्ट डोंट गो फॉर एनी रिलेशनशिप ओनली ड्यूरिंग एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है सो

Uh, हम लाइक uh, फोर like चार दोस्त हैं हम uh, जिनकी हमारी लाइक कॉन्स्टेंटली मीटिंग होती है ऐसा नहीं कि तू भी टॉपर है तू भी टॉपर है चलो हम मिलते हैं भाई ऐसा कुछ भी नहीं था कॉन्सडेंटली हमारी सबकी मीटिंग हुई थी एक साथ लाइक हमारे फोर का बहुत ज्यादा अच्छा कनेक्शन uh, बन गया था एक दूसरे के साथ लाइक हम इधर भी जाते थे पार्टी करने जाते थे तो एक साथ ही जाते थे कुछ खाने जाते थे तो एक साथ जाते थे लाइक सीरियसली एक हर एक टेस्ट के बाद भी हम uh, मैगडे में जाते थे एक बर्गर खाने किसी की तरफ से भी ट्रीट So, like, ऐसा भी होता है एंड लाइक like, पर हमारे बीच में कभी भी नेगेटिव नहीं थी ऑल hmm. uh, मतलब सब एक दूसरे को मदद करने के इरादे से थे, like, हम, हमेशा भी करते थे ग्रुप में मुझे आ रहा है तो क्या तुम मुझे समझा सकता है कि नहीं लाइक शेयरिंग इज केयरिंग वैसे ही कुछ टाइप था कि नॉलेज आप दोगे तो आपका और नॉलेज बढ़ेगा क्योंकि मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ एंड वो दूसरा पॉइंट बोल रहा है so, like, दोनों जरूरी नहीं कि सेम पॉइंट्स हो अलग भी पॉइंट्स हो सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव हो सकती है जब आप एक्चुअल पेपर सॉल्व करोगे फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए आपके दोस्तों के साथ सो so, वही चीज जो हो सकता है और लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन होगी भाई दोस्त हैं तो मेरे दोस्त मुझे डिस्ट्रैक्ट करते हैं बट अगर आपके दोस्त जैसे कि तुमने कहा कि अगर आपके दोस्त आप एक दूसरे को हेल्प करो एक पॉजिटिव कंपटीशन रखो क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जेलेस होने लगते हैं या फिर सोचते हैं कि यार इसके क्यों ज्यादा आ रहे हैं मेरे क्यों कमा रहे हैं पर अगर आप वहीं पे एक दूसरे की हेल्प करो और बहुत पॉजिटिवली कॉम्पिटिशन को लो और एक ऐसा ग्रुप हो तुम्हारा जहाँ पे तुम अच्छी पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर रहे हो हेल्दी डिस्कशन कर रहे हो तो यही सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है वो तुम्हारे लिए सबसे

तीन घंटे का पेपर है तो मेरे साथ भी इनफैक्ट होता था कि तीन घंटे के बाद मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती थी और उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी एक दो घंटे तक एटलीस्ट तो वो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा एक कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका हाई होना चाहिए और उसके लिए बहुत बच्चे चाहते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़े और हम उसको मेंटेन करके चल पाए तो तुमने कैसे अपने कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया था या उसको बेस्ट यूटिलाइज किया था और टेस्ट में पूरी तरह से फोकस करके बहुत अच्छे नंबर लेकर आए थे देखो आप जो भी टेस्ट स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग के टेन मिनट्स बहुत है। आप स्टार्टिंग के में आप खुद को काम रखो ताकि आप आगे फ्रस्टेट जैसे जैसे आप कामनेस करते जाओगे, आप करते जाओगे सो आपका बढ़ते जाते है थोड़ी देर के लिए इट्स लाइक अ ग्राफ आप पीक पे जाते हो ना पे आते हो फिर से सो जब आप पीक पे हो वो टाइम आप नोट करो आपके प्रैक्टिस टेस्ट में रहता हूँ जनरली इस टाइम पे मेरे कम से कम होते हैं ऐसा भी एक टाइम आता है कि जब आपके सिलेबस ज्यादा होने लग जाते हैं उस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो पे होता है तो इस टाइम पे आप एक काम करो कि आप आंखें बंद करो कुछ भी अलग से कुछ करो बस पेपर को मत देखो सॉल्व मत करो कुछ ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन फिर से एक बढ़िया लेवल पे आ जाए पेपर अब आप थोड़े से टाइम का गैप लो जैसे अनुराग ने कहा और हो सकता है, पे आपको इतना दिमाग लगाने की नहीं है और डायरेक्टली ये बात अपनी एक स्ट्रेटेजी में भी बोली थी कि जैसे पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो की ब्रेक में जहाँ आपको लग रहा है की आप क्वेश्चन अब नहीं सोल्व कर पा रहे हो तो आपने ओ फिल कर ली ताकि उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल गया फिर आप वापस आ गए तो मतलब ऐसा नहीं है की आप बस पेपर छोड़ के बैठ गए और 10 15 मिनट बैठे हुए हो पेपर नहीं कर रहे हो ये ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं है पर यह है कि आप छोटा सा ब्रेक लो आके दो मिनट के लिए बंद की थोड़ा रिलैक्स किया पानी पिया फिर अपना वापस से शुरू किया ताकि ऐसा ना हो कि हाँ। आप जल्दबाजी के चक्कर में और पेपर बस खत्म करने के चक्कर में और कंसंट्रेशन भी कम है आपका डिस्ट्रैक्ट भी हो गए और पेपर में गलतियां करते जा रहे हो तो वो अवॉइड करने के लिए आई थिंक अनुराग ने बहुत अच्छा मेथड बताया कि जब भी आप प्रैक्टिस टेस्ट देते हो तो अपने पीक टाइम आपका कंसंट्रेशन क्या क्या है उसके बाद कब आप ड्रॉप करते हो और वहीं पे आप हल्का सा एक ब्रेक लेने के लिए अपनी स्ट्रेटजी जो बनाते हो पेपर अटेम्प्ट करने की वो ऐसे ही बनाओ कि जब मेरा कंसंट्रेशन कम होता है तब मैं ऐसी चीज कर लूं जहाँ पे मुझे इतना फोकस लगे ही ना तो ये बहुत अच्छा एक मेथड हो सकता है आप लोगों के लिए जो आप आप अप्लाई आप, कर सकते हो और आपको हेल्प करेगा सो आई होप अनुराग से आप अनुराग से आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिला हो और बहुत अच्छी अच्छी बातें आज सीखने को मिली होगी और मैं चाहूंगी कि अनुराग की तरह आप मेरे साथ यहाँ पर आना और तो हम बहुत सारी बातें करेंगे और आगे आने आए। आए। को भी गाइड करेंगे, करेंगे उनकी सो so, uh, मैं चाहूंगी कि जैसे अनुराग अब वी uh, एम आने वाला है एंड आई होप ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अनुराग के अलावा भी आई थिंक अराउंड ट्वेंटी बच्चे ऐसे हैं जो वी में आ रहे हैं और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा था इनफैक्ट uh, मेरे सिलेक्शन जब हुआ था ना आई थिंक उतनी ही खुशी मुझे तब हुई थी जब इतने सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए कि हम हम देखा करते थे आपकी वीडियोज हमें हेल्प होती हेल्प मिलती थी उससे और आज हम बीएमएमसी में ही आने वाले हैं सो आई होप वैसे ही आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे कॉलेज आओ मेरे जूनियर्स बर और ऐसे अनुराग के साथ भी हम लोग बातें करते रहेंगे और चैनल जरूर आप सब्सक्राइब कर देना सो स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट